दिव्य हिमाचल टीवी की खास प्रस्तुति साहित्य को समर्पित हमारे इस विशेष साप्ताहिक कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। आपकी सेवा में फिर उपस्थित है इस सप्ताह की साहित्यिक रचनाओं के साथ, वही रचनाएं जो हमारी लोकप्रिय दैनिक प्रस्तुति हम पहाड़ी में प्रसारित की गई। हमेशा की तरह कार्यक्रम के अंत में एक हिमाचली रचनाकार की रचना उन्हीं की आवाज में प्रस्तुत की जाएगी। आपसे भी अनुरोध है कि आप भी अपनी रचनाएं हमें भेज सकते हैं, जो चयनित होने पर हम पहाड़ी और साहित्य रविवार में प्रसारित की जाएंगी। तो आइए आगे बढ़ें आपके पसंदीदा कार्यक्रम के साथ। आखिरी बात जो अभी कही जानी है, कविता है जी अजय जी की, वो हम अपने दर्शकों के लिए लाए हैं कि आखिरी बात तो अभी कही जानी है, यह जो कुछ कहा है आखिरी बात कहने के लिए ही कहा है। आखिरी बात तो दोस्त बरसात की तरह कही जाएगी बौछारों में, और जो परनाले चलेंगे पिछली तमाम बातें उनमें बह जाएंगी। बातों बातों में बातों की बेबुनियाद इमारतें ढह जाएंगी, फिर उसके बाद कोई बात कहने की जरूरत ही नहीं रह जाएगी। आखिरी बात कह डालने के लिए ही जिए जा रहा हूँ, जीता रहूँगा आखिरी बात कहे जाने तक। क्या बात, तो ये खूबसूरत, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वसीम बरेलवी साहब की एक गजल मैं दर्शकों के लिए पेश करना चाहूंगा। राजेश, हाँ, तो इन्होंने सुनिए क्या लिखते हैं। मैं इस उम्मीद पे डूबा कि तू बचा लेगा, क्या बात, अब इसके बाद मेरा इम्तिहान क्या लेगा, क्या ये एक मेला है, वादा किसी से क्या लेगा, ढलेगा दिन तो हर एक अपना रास्ता लेगा, क्या बात, मैं बुझ गया तो हमेशा को बुझ ही जाऊंगा, कोई चिराग नहीं हूं कि फिर जला लेगा, क्या बात, कलेजा चाहिए दुश्मन से दुश्मनी के लिए, जो बेअमल है वो बदला किसी से क्या लेगा, बहुत मैं उसका हो नहीं सकता बता ना देना उसे, क्या बात, मैं उसका हो नहीं सकता बता ना देना उसे, लकीरें हाथ की अपनी वो सब जला लेगा, और हजार तोड़ के आ जाऊं उससे रिश्ता वसीम, क्या बात, हजार तोड़ के आ जाऊं उससे रिश्ता वसीम, मैं जानता हूं, मैं जानता हूं वो जब चाहेगा बुला लेगा, क्या बात। तो ये वसीम बरेलवी साहब की गजल थी। कहीं बेहतर है तेरी अमीरी से मुफलिसी मेरी, जी। कहीं बेहतर है तेरी अमीरी से मुफलिसी मेरी, चंद सिक्कों की खातिर तूने क्या नहीं खोया है, कहीं बेहतर है तेरी अमीरी से मुफलिसी मेरी, चंद सिक्कों की खातिर तूने क्या नहीं खोया है, माना माना नहीं है मखमल का बिछौना मेरे पास, जी। माना नहीं है मखमल का बिछौना मेरे पास, पर तू ये बता कितनी रातें चैन से सोया है। एक काव्य प्रस्तुति की तरह बढ़ते हैं, गजल है बेसिकली, इसको लिखा है खुमार बाराबंकी साहब ने। खुमार साहब जो थे इन्होंने फिल्मों में भी बहुत लिखा, बाराबंकी से थे ये, और 1919 में इनका जन्म हुआ था, उसके बाद 1999 में इनका इंतकाल हो गया। तो देखिए उनकी ये गजल, जरा दर्शक ध्यान दें, बहुत बढ़िया लिखते हैं जी। ऐ मौत उन्हें भुलाए जमाने गुजर गए, ऐ मौत उन्हें भुलाए जमाने गुजर गए, आजा आजा के जहर खाए जमाने गुजर गए, ऐ मौत उन्हें भुलाए जमाने गुजर गए, आजा आजा के जहर खाए जमाने गुजर गए, ओ जाने वाले आ के तेरे इंतजार में, ओ जाने वाले आ के तेरे इंतजार में, रस्ते को घर बनाए जमाने गुजर गए, गम है ना अब खुशी है ना उम्मीद है ना आस, गम है ना अब खुशी है ना उम्मीद है ना आस, सबसे नजात पाए जमाने गुजर गए, क्या लाई के सितम भी नहीं अब मैं दोस्तों, क्या क्या लाई के सितम भी नहीं अब मैं दोस्तों, पत्थर भी घर में आए जमाने गुजर गए, जाने बहार फूल नहीं आदमी हूं मैं, जाने बहार फूल नहीं आदमी हूं मैं, आजा आजा के मुस्कुराए जमाने गुजर गए, क्या क्या तवक्कुआत थी आहों से ऐ खुमार, क्या क्या तवक्कुआत थी आहों से ऐ खुमार, ये तीर भी चलाए जमाने गुजर गए। हमारे साहित्य संवाद में कवि हैं जी संजीव कपूर, उन्होंने बहुत ही शानदार एक कविता लिखी है जो आज के हालात पे और आज के दिन पे विशेष तौर पे जुड़ती है। देखिए कविता क्या है, इतने में गुस्से में क्यों है रे मेघा, बारिश मचा रही यूं कोहराम, यहाँ वहां की सुखद ना खबरें बन आफत बरसी बरसात, मानसून रंग हुआ प्रचंड अस्त व्यस्त कर दिए हालात, रौद्र रूप हुए नदियां नाले ऐसे भयंकर उठे उफान, हाई अलर्ट चेतावनी जारी, सरकार प्रशासन सब सावधान, आपदा राहत टीमें सक्रिय, जगह जगह जारी अभियान, कहीं आशियानों को संकट, देखिए क्या लिख रहे हैं आगे, कहीं आशियानों को संकट, कहीं बहा ले गए बहाव, कहीं रास्ते कटी जमीने, कहीं रोड हुए घंटों जाम,
आगे लिखते हैं, नदियों में जलस्तर उफन रहा, आतुर होने को बेलगाम, कई जगह मंडरा रहे संकट और धुक धुक कर रही है जान। आपके सामने एक रचना आ रही है, इसे निर्मल असो साहब ने लिखा है जी। क्या धर्मशाला के साहित्यकार है बड़े ही और साथ में बड़े पत्रकार भी, तो उन्होंने ये गजल लिखी है आज के हालात में, आज ही ताजा ताजा है। आप वीडियोस भी देखते रहे और सुनते रहिए क्या भावना है कवि की। कहा है, वक्त की चादर ओढ़े गुमनाम सफर, अहंकारी रास्ते को मौसम डुबो गया। क्या बात, वक्त की चादर ओढ़े गुमनाम सफर, अहंकारी रास्ते को मौसम डुबो गया। जमी खोदते हाथ अपनी ही तहों में वजूद कहीं वर्क दर्ग वर्क खो गया। क्या बात, बहुत खूब। आगे कहते हैं, चांदी की दीवारें खुद पर चढ़ाते रहे हम। ये सही बात, चांदी की दीवारें खुद पर चढ़ाते रहे हम। दौलत का मंजर बादल से उलझ गया, वहां घर ऊंचा था मिजाज उससे ऊपर। क्या बात, वहां घर ऊंचा था मिजाज उससे ऊपर, जहां हम गरजे वह बरस कर डूबो गया। क्या बात, आगे है जी, ईंट से ईंट बजाकर दस्तखत हमारे ही रहे। जी जी, ईंट से ईंट बजाकर दस्तखत हमारे ही रहे, वो सोने की खान को मिट्टी बना चला गया। क्या बात, छीना था मुकद्दर इसी दरिया से भी कभी, छीना था मुकद्दर इसी जरिए से भी कभी, सांप की तरह हमी को डस के निकल गया। क्या बात, देखिए बहुत, हाँ वीडियोस भी देखते रहे और फिर समझिए क्या कहा है ना निर्मल असो साहब ने। बोलते आगे, मौसम भी चक्की की तरह पीसता है महीन। क्या बात, मौसम भी चक्की की तरह पीसता है महीन, अपने संयम को कातने कहीं निकल गया। बिल्कुल, और अगली लाइन मैं बताता हूँ, मुझे याद आ गई कि समुद्र की फरियाद हमने तो कभी सुनी नहीं, समुद्र की फरियाद हमने तो कभी सुनी नहीं, खामोश कान खोले वह सुनने निकल गया। जी, आगे कहते हैं, कभी निर्मल थे हम बर्फ से पसीना पोंछते। क्या बात, कभी निर्मल, अपने लिए लिखा है उन्होंने जी, कभी निर्मल थे हम बर्फ से पसीना पोंछते, चुपके से आकर हसरत में तूफान घोल गया। जिन पत्थरों को पूजा करते थे हम, जिन पत्थरों को पूजा करते थे हमारे बुजुर्ग, लहूलुहान हो उनका ही आज खून बह गया। तो अग्निहोत्री जी, अपने दर्शकों के लिए आज शुरुआत करते हैं, एमडी सिंह उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से हैं, उन्होंने एक कविता लिखी है मानसून पे, चलो चलो निकलो निकलो चलो भीग लें, बहुत ही शानदार कविता है। उन्होंने लिखा है, समय बरसते बादल जैसा कहीं निकल ना जाए, निकलो निकलो चलो भीग लें, हृदय सुलगते प्रश्नों का है अंबार लगाए, मन इच्छाओं का बैठा है बाजार लगाए, समय मुट्ठी में रेत जैसा कहीं फिसल ना जाए, निकलो निकलो चलो भीग लो। क्या बात है, सपनों ने बसेरा ढूंढा है रात अंधेरी, करवटें नींद से कर रही हैं हेरा फेरी, समय हठात मिले अवसर सा कहीं बिचल ना जाए, निकलो निकलो चलो भीग लें। आगे भी लंबी कविता है, ये मानसून पे लिखी है, लेकिन मानसून पे जो इन्होंने तो बड़ी शानदार लिखी है, लेकिन मानसून के जो हालात हिमाचल में है वो बहुत डरावने हैं, बहुत दुखद हैं। जी जी, जो ये सिंह साहब ने यूपी के जी ये इन्होंने लिखा है, वहां पे लिखा है, लेकिन हिमाचल के हालात कुछ और हैं। बिल्कुल, बहुत खतरनाक हालात। बशीर बदर साहब जी, सब दर्शक जानते हैं, हम अक्सर उनके है ना जी क्रिएशन उनके सामने लाते हैं। बशीर बदर साहब की एक गजल है जी, मोहब्बतों में दिखावे की दोस्ती ना मिला। क्या बात, मोहब्बतों में दिखावे की दोस्ती ना मिला, अगर गले नहीं मिलता तो हाथ भी ना मिला। बहुत बड़ी, मोहब्बतों में दिखावे की दोस्ती ना मिला, अगर गले नहीं मिलता तो हाथ भी ना मिला। घरों पे नाम थे नामों के साथ औहदे थे। क्या बात, घरों पे नाम थे नामों के साथ ओहदे थे, बहुत तलाश किया कोई आदमी ना मिला। क्या बात, तमाम रिश्तों को मैं घर पे छोड़ आया था फिर उसके बाद मुझे कोई अजनबी ना मिला। क्या बात, आगे सुनिए, खुदा की इतनी बड़ी कायनात में मैंने बस एक शख्स को मांगा मुझे वही ना मिला। क्या बात, बहुत अजीब है ये कुर्बतों की दूरी भी जी, बहुत अजीब है ये कुर्बतों की दूरी भी, रिश्तों की रिश्ते बहुत अजीब है ये कुर्बतों की दूरी भी, वो मेरे साथ रहा और मुझे कभी ना मिला। अजय पाठक की एक बहुत ही शानदार कविता जो उन्होंने मानसून के ऊपर लिखी है, बादल का पानी। देखिए क्या लिख रहे हैं पाठक साहब, बरस गया बादल का पानी, बिजली चमकी दूर गगन में, कंपन होते प्राण भवन में, तरल तरल कर गई हृदय को निष्ठुर मौसम की मनमानी, बरस गया बादल का पानी, धुली आस कोमल अंतर की, बही संपदा जीवन भर की, फिर भी लेती रही लहरियां हमसे निधियों की कुर्बानी, बरस गया बादल का पानी। आगे लिख रहे हैं कि धार धार में तेज लहर है,
लहरों से भी तेज भंवर है, सपनों का हो गया विसर्जन, घेरे आशंका अनजानी, बरस गया बादल का पानी। ये बादल का पानी मानसून पे इन्होंने बहुत ही शानदार एक कविता लिखी है जी, अजय पाठक जी ने जी। क्या बात है, निर्मल आसू साहब की एक रुबाई है जी, मतलब चार लाइनों का एक शेर, दो शेर का एक वो है, कपलेट है जी, दो कपलेट है जी। सदमे उम्र भर के, ये हमारे अगले सेगमेंट से जुड़ रहा है, मैं दर्शकों का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा जी। सदमे उम्र भर के लुटाने आया हर कोई जी, सदमे उम्र भर के लुटाने आया हर कोई, आकाश को धरा से मिलाने भी आया है हर कोई। क्या बात, आकाश को धरा से मिलाने भी आया है कोई, जिसे देखो आसमान में घर बनाने चला है यहाँ। क्या बात है, जिसे देखो आसमान में घर बनाने चला है यहाँ, हवाओं को मुट्ठी में ले हुआ परिंदा हर कोई। क्या बात है, जिसे देखो आसमान में घर बनाने चला है यहाँ, हवाओं को मुट्ठी में ले हुआ परिंदा हर कोई। बच के रहिए जी, परिंदे होने का अच्छा लगता है, रोमांच अलग है, लेकिन हवाओं से बैर नहीं। जिगर मुरादाबादी। क्या बात, मुरादाबाद यूपी में पैदा हुए थे जी 1890 में, 1954 में उनकी डेथ हो गई। जिगर मुरादाबादी साहब को बोला जाता है जी मोहब्बतों का शायर। क्या बात, उनकी एक गजल है, थोड़ी लंबी है, मैं जल्दी जल्दी पढ़ के सुनाऊंगा, लेकिन देखिए इसमें अदा और उनका एक भाव, मतलब बहुत जबरदस्त है। दर्शक भी जरा ध्यान से सुनिए, थोड़ी सी थोड़ा सा लंबी है पर मैं इसको जल्दी खत्म करने की कोशिश करूंगा। एक लफ्ज मोहब्बत का अदना ये फसाना है जी, एक लफ्ज मोहब्बत का अदना ये फसाना है, सिमटे तो दिले आशिक फैले तो जमाना है। क्या बात, ये किसका तसव्वुर है ये किसका फसाना है। क्या बात, ये किसका तसव्वुर है ये किसका फसाना है, जो अश्क है आंखों में तस्बीह का दाना है। तस्बीह बोलते हैं जी, माला होती है हमारी, है ना जी। दिल संगे ममालत का हर चंद निशाना है, दिल फिर भी मेरा दिल ही, दिल फिर भी मेरा दिल है, दिल ही तो जमाना है। क्या बात, आगे कहते हैं हम इश्क के मारों का, हम इश्क के मारों का इतना ही फसाना है, रोने को नहीं कोई हंसने को जमाना है। क्या बात, वो और वफा दुश्मन मानेंगे न माना है। क्या बात, वो और वफा दुश्मन मानेंगे न माना है, सब दिल की शरारत है आंखों का बहाना है। क्या बात, आगे कहते हैं शायर शायर हूं मैं, शायर हूं मेरा ही जमाना है, फितरत मेरा आईना कुदरत मेरा शाना है, जो उन पे गुजरती है किसने उसे जाना है, जो उन पे गुजरती है किसने उसे जाना है, अपनी ही मुसीबत है अपना ही फसाना है। क्या हुस्न समझा है, क्या हुस्न ने समझा है, क्या इश्क ने जाना है, हम खाक नशीनों की ठोकर में जमाना है। आगे कहते हैं आगाज मोहब्बत है, आगाज मोहब्बत है, आना है न जाना है, अशकों की हुकूमत है आहों का जमाना है। क्या बात, आगे कहते हैं मुरादाबाद साहब, आंखों में नमी सी है चुप चुप से वो बैठे हैं, आंखों में नमी सी है चुप चुप से वो बैठे हैं, नाजुक सी निगाहों में नाजुक सा फसाना है। क्या बात, आगे हम दर्द बदल नाला वो दस्त बदल हैरान, ये इश्क तो क्या जालिम तेरा ही जमाना है। क्या बात, या वो थे खफा हमसे, या वो थे खफा हमसे, या हम है खफा उनसे, कल उनका जमाना था आज अपना जमाना है। इश्क जुनू पेशा, हाँ इश्क जुनू पेशा, अच्छा इश्क जुनू पेशा, हाँ इश्क जुनू पेशा, आज एक सितमगर को हंस हंस के रुलाना है, थोड़ी सी इजाजत भी, थोड़ी सी इजाजत भी, ए बज्म गहे हस्ती आ निकले है दम भर को रोना है रुलाना है, ये इश्क नहीं आसा इतना ही समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है, खुद हुस्नो शबाब उनका, खुद हुस्नो शबाब उनका, क्या कम है रकीब अपना। क्या बात, जब देखिए अब वो है आईना है शाना है, तस्वीर के दो रुख हैं, तस्वीर के दो रुख हैं, जा और गमे जाना, एक नक्श छुपाना है एक नक्श दिखाना है, ये हुस्नो जमाल, ये हुस्नो जमाल उनका, ये इश्को शबाब अपना। क्या बात, ये हुस्नो जमाल उनका, ये इश्को शबाब अपना, जीने की तमन्ना है, जीने की तमन्ना है, मरने का जमाना है, मुझको इसी धुन में, मुझको इसी धुन में है हर लहजा बसर करना। क्या बात, अब आए वो ना आए, अब आए वो अब आए, लाजिम उन्हें आना है, खुददारी महरूमी, महरूमी खुददारी, अब दिल को खुदा रखे अब दिल का जमाना है, अशकों के तबस्सुम में आहों के तरन्नुम में, मासूम मोहब्बत का मासूम फसाना है, आंसू तो बहुत से हैं। क्या बात, आंसू तो बहुत से हैं आंखों में जिगर लेकिन। क्या बात, आंसू तो बहुत से हैं आंखों में जिगर लेकिन, बंध जाए सो मोती है रह जाए सो दाना है। क्या बात, तो सर जिगर मुरादाबादी साहब की थोड़ी लंबी थी, दर्शक माफ करेंगे इसके लिए। राजेश आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत खूब अग्निहोत्री जी, इतनी लंबी गजल आपने जिगर मुरादाबादी साहब की दर्शकों के जहन में ताजा कर दी, क्योंकि इस पे बहुत गीत भी, गीतों में भी इनके मुखड़े बीच में हुए हैं थोड़े थोड़े।
जीवन ऋषि कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं निर्मल असो साहब की इन पंक्तियों से। ऑब्वियसली जो अभी एक दो दिन पहले जो हिमाचल में पहाड़ों पे जो आफत बरसी है जी, उससे इंस्पायर्ड हैं ये पंक्तियां असो साहब की। देखिए क्या लिखते हैं, मत दिखाओ पहाड़ अब दूर निकल गया कोई, मत दिखाओ पहाड़ अब दूर निकल गया कोई, दूर बजे ढोल बहरे कान से रेंग निकली जूं कोई, बादलों की छत से नीचे यही था कहीं मेरा जहां, बादलों की छत से नीचे यही था कहीं मेरा जहां, उसी के साथ उड़ा ले गया मुझे भी आज कोई। ये रुबाई थी जी निर्मल असो साहब की, जो बेपता हिमाचल ने अभी झेली है मानसून की पहली ही बारिश कहेंगे बड़ी, उसके बाद उससे लेकिन अहमद फराज साहब की हम गजल लेके आए हैं दर्शकों के लिए। अहमद फराज पाकिस्तान के बहुत बहुत बड़े शायर, 1913 में जन्म हुआ था उनका, 2008 में उनका इंतकाल हो गया जी। तो इनकी एक छोटी सी गजल है, कल हमने एक थोड़ी लंबी ले ली थी गजल, कुछ हमारे दर्शकों के ये रिएक्शन आए कि आपने लंबी गजल ले ली, तो हमने उनसे कहा जी ठीक है हम छोटा रखने की कोशिश करते हैं। देखिए अहमद फराज साहब की, इससे पहले कि बेवफा हो जाएं, इससे पहले कि बेवफा हो जाएं क्यों ना ऐ दोस्त हम जुदा हो जाएं, इससे पहले कि बेवफा हो जाएं क्यों ना ऐ दोस्त हम जुदा हो जाएं, तू भी हीरे से बन गया पत्थर, तू भी हीरे से बन गया पत्थर, हम भी कल जाने क्या से क्या हो जाएं, हम भी कल जाने क्या से क्या हो जाएं, तू कि यकता था बेशुमार हुआ, तू कि यकता था बेशुमार हुआ, हम भी टूटें तो जा बजा हो जाएं, हम भी मजबूरियों का उज्र करें, हम भी मजबूरियों का उज्र करें, फिर कहीं और मुबतला हो जाएं, फिर कहीं और मुबतला हो जाएं, हर हम अगर मंजिलें ना बन पाए, हम अगर मंजिलें ना बन पाए मंजिलों तक का रास्ता हो जाएं, हम अगर मंजिलें ना बन पाए मंजिलों तक का रास्ता हो जाएं, देर से सोच में है परवाने, देर से सोच में है परवाने, राख हो जाएं या हवा हो जाएं, इश्क भी खेल है नसीबों का, इश्क भी खेल है नसीबों का, खाक हो जाएं कीमिया हो जाएं, अब के अगर तू मिले तो हम तुझसे, अब के अगर तू मिले तो हम तुझसे, ऐसे लिपटें तेरी कवा हो जाएं, बंदगी हमने छोड़ दी है फराज, बंदगी हमने छोड़ दी है फराज, क्या करें लोग जब खुदा हो जाए। क्या बात है, तो सर हाँ, तो जी अहमद फराज साहब की छोटी सी गजल थी लेकिन बहुत गहरे मतलब के साथ। हमारे एक दिवंगत जो बहुत बड़े हिमाचल के लेखक थे श्रीकांत श्रीनिवास जी, उनकी कविता से हम शुरुआत करेंगे। ये मैं बता दूं, ये सोलन के रहने वाले थे और कई दशकों से जो है लेखन कार्यों में लगे हुए थे। दो दिन पहले इनका निधन हो गया है, हम इनको अपनी ओर से श्रद्धांजलि जो है वो अर्पित करते हैं और इनकी कविता जो है उसको मैं आपके सामने रखता हूँ। कविता का शीर्षक है हिमालय का एक गाँव। तो कविता इस तरह से शुरू होती है, जहाँ चांदी मढ़े पहाड़ों पर चमकती है धूप, जहाँ चांदी मढ़े पहाड़ों पर चमकती है धूप, हेमंती हवाएं बजाती हैं कंदराओं में गहन नाद, जहाँ सुबह सवेरे सूरज उड़ाता है अपनी सिंधूरी धूल, जहाँ ढलवां घाटियों में उतरती है धीरे धीरे कुंदधार धूप, वहाँ भी रहते हैं लोग, अभी भी विदा हुई है नक्षत्रीय निहारिकाएं, अभी ही विदा हुई है नक्षत्रीय निहारिकाएं, अभी ही समाप्त हुआ है सुदूर ब्रह्मांड का अनंत ब्रिजरास, आकाश के तिमिर नील, आकाश के तिमिर नील वृंदा अरण्य में कृष्ण और राधा खेले जहाँ अदृश्य हो गए लोलीन। तो बहुत ही खूबसूरत कविता श्रीनिवास जी की थी और इनका जो लेखन है वो हमेशा हम याद रखेंगे। और अब कार्यक्रम के अंत में सुनिए वीरेंद्र शर्मा वीर की रचना स्वयं उनकी ही आवाज में। आप भी अपनी स्वरचित कविताओं के वीडियो इसी फॉर्मेट में हमें भेज सकते हैं, जिन्हें चयनित होने की स्थिति में इसी कार्यक्रम में प्रस्तुत किया जाएगा। अब मुझे दीजिए अनुमति, आपसे फिर भेंट होगी अगले हफ्ते इसी दिन इसी समय। नमस्कार। नमस्कार, मेरी कविता का शीर्षक है सांप बिल में बैठा हंस रहा है। माया की ममता कुर्सी का लालच, माया की ममता कुर्सी का लालच, ताकत का दंभ हो गया समझो उतराव का आरंभ, अमानुष्टा का दानव अब सबको अपने मोह पाश में कस रहा है, वो देखो सांप बिल में बैठा हंस रहा है।
रिश्तों का ना अब महत्व रहा, रिश्तों का ना अब महत्व रहा, प्रेम प्यार अब खत्म हो रहा, पैसा सबसे ऊपर हो गया, इंसान न जाने कहाँ खो गया, अब इंसान ही इंसान को देखो डस रहा है, वो देखो सांप बिल में बैठा हंस रहा है, वो देखो सांप बिल में बैठा हंस रहा है। नेता नौकर शाह अफसर, नेता नौकर शाह अफसर, महंगाई हो रहे बेलगाम, बेकार हो रहा सरकारी तामझाम, कैसे चलेगा अब देश का काम, रिश्तों की डोरी टूट रही है, विद्रोह की ज्वाला फूट रही है, कहीं किसान आत्महत्या कर रहा, गरीब और देखो गरीब हो रहा, कहीं बाढ़ कहीं उन्माद, कहीं बाढ़ कहीं उन्माद, देश दंगों की आग में बुरी तरह झुलस रहा है, वो देखो सांप बिल में बैठा हंस रहा है, वो देखो सांप बिल में बैठा हंस रहा है। इंसान अब विवेक खो रहा, इंसान अब अपना विवेक खो रहा, अनगिनत बहनों का बलात्कार हो रहा, सरकार कहीं गहरी नींद सो गई है, सरकार भी कहीं गहरी नींद सो गई है, न्याय प्रणाली भी कहीं गुमसी हो गई है, राजा ही अब जैसे चोर नजर आ रहा, राजा ही अब जैसे चोर नजर आ रहा, बाढ़ ही जैसे देखो खेत को खा रहा, अमीर छीनता गरीब का निवाला, अमीर छीनता गरीब का निवाला, जहां भी देखो वहीं भ्रष्टाचार का बोलबाला, नशे की लत में हर युवा, नशे की लत में हर युवा, बुरी तरह से फंस रहा है, वो देखो सांप बिल में बैठा हंस रहा है, वो देखो सांप बिल में बैठा हंस रहा है, वो देखो सांप बिल में बैठा हंस रहा है। नमस्कार।